अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीनू लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? और अभी आज जो डे है संडे, तो संडे का दिन आज का बहुत ही अच्छा रहा। आज अभी जब सुबह मैं मम्मी के घर से आई हूँ और आने के बाद अभी जो टाइम हो रहा है 1 बज रहे हैं, ठीक है, और 1 बज रहे हैं। एक बारी प्रिपरेशन मैंने कर लिया क्योंकि मैं आज बनाने वाली हूँ टिक्का बिरयानी। लंच नहीं किया है, लंच बाहर से मंगा लिया हम लोगों ने। तो हम लोगों ने मटन करी मंगाई हुई है और नान है, तो वो अभी हम लोग खाने वाले हैं। और शाम की प्रिपरेशन के लिए मैं बनाने वाली हूँ 2 kg चिकन एंड राइस की बिरयानी, टिक्का बिरयानी, क्योंकि इन्हें अपने फ्रेंड को देना है। और तो ज़्यादा क्वांटिटी में मैं बना रही हूँ। और अभी हस्बैंड जस्ट अपना ऑफिस का कुछ काम कर रहे हैं और मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और अभी मैं अपने हस्बैंड को चाय बनाकर दे कर आई थी, ऑफिस का काम कर रहे थे तो उन्होंने चाय बनाई मैंने अभी दोबारा से। और सारा सब कुछ मैंने सुबह कुछ ज़्यादा काम नहीं किया, जस्ट जाके मैंने यहाँ पे झाड़ू झाड़ू मार लिया था, तो जल्दी से क्लीन था सारा घर क्योंकि अभी गली गई थी मैं मम्मी के पास। और अभी तो मॉर्निंग में आ गई मैं, सुबह सैटरडे को गई थी, ठीक है। और चलिए किचन दिखाती हूँ मैं। और पर पुदीना तोड़ के रख लिया है यहाँ पर और सामान मंगाया हुआ है। और यहाँ पर 2 kg चिकन था जिसको मैंने वॉश कर लिया, इसको मैरिनेट करने के लिए रखना है। प्याज काट लिया, तो सारा रैंडम बता रही हूँ अभी हाल। जस्ट दूध मंगवाया तो उसे बॉइल करके रखा है, चाय बनाई थी पूरा ऐसी मैस डलाया है, टमाटो की प्यूरी है और चिकन मसाला ख़त्म हो गया था। तो मैं बता दूँ मैं यूज़ करती हूँ यहाँ पर एवरेस्ट का चिकन मसाला और यहाँ थोड़ा सा ग्रॉसरी का सामान भी मंगाया हुआ था, तो ये सब कुछ रखा हुआ है। इस वाले में बनाने वाली हूँ तो सारा ऐसी मैस पड़ा हुआ है। अदरक लहसुन मैंने अभी जस्ट पूरा मिक्स करके पीसा हुआ है, तो इग्नोर माई किचन कंडीशन क्योंकि बहुत ज़्यादा मैस हुआ पड़ा है। और ये सारा आ चुका है खाने का सामान, तो इसको निकालना है। तो मुझे लग रही है बहुत ज़ोरों वाली भूख, तो निकाल लेते हैं खाना। पहले मैं सोच रही हूँ मैरिनेट कर लूँ, उसके बाद कुछ करते हैं क्योंकि टाइम आज मैं बिल्कुल भी मैरिनेट कर रही हूँ चिकन को, तो ज़्यादा टाइम तो मैं रख नहीं पाऊँगी क्योंकि आज ही मॉर्निंग में ही चिकन आया है। अगर कल आ जाता तो कल बन जाते, मतलब मैरिनेट करके रख देते, बट अभी आया है तो फिर अभी करना पड़ेगा। 10 से 15 मिनट या आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके फ्रीज़र में रख दूँगी मैं, और तो थोड़ा सा अच्छे से तो हो ही जाएगा, कर लेते हैं। तैयारी में लग जाते हैं, बना लेते हैं। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसकी फुल अच्छे से रेसिपी शेयर करूं तो कमेंट में मुझे जरूर बता दीजिएगा, तो मैं इसकी फुल रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूंगी। जस्ट अभी मैं यूटेंसिल वॉश किया है मैंने, और थोड़ा सा काम और करना है। तो आज दोपहर में कुछ भी, मतलब बिल्कुल भी लेटने का सीन नहीं है। आज का दोपहर का दिन मेरा बहुत ज़्यादा वाला बिजी हो रहा है क्योंकि जब कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना होता है तो फिर रेस्ट तो भूल ही जाओ। और अभी मतलब लंच करने के बाद 4 बज गए हैं और हस्बैंड अपना ड्राॅइंग रूम में बैठे हैं और भी मेरे भाई बहन आए हुए हैं, तो अच्छा लग रहा है घर में। और वो काम कर रहे हैं और सब एज़ यूजुअल अपने फ़ोन में लगे हुए हैं, गेम वगैरह खेल रहे हैं। और मैं यहाँ पर अपने रूम में हूँ, मैंने तो थोड़ा सा बैठ जाते हैं क्योंकि थक गई हूँ इतनी जल्दी जल्दी सब कर रही हूँ जब से आई हूँ मॉर्निंग से ही। और मॉर्निंग नहीं, आफ्टरनून हो गई थी। और उसके बाद अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत जो ग्रॉसरी का थोड़ा सामान मंगाया था उसे अरेंज करके रख दूँ, और धनिया एंड पुदीना उसको भी अच्छे से मैनेज करके रख दूँ क्योंकि ना फिर वो ज़्यादा टाइम तक हम उसे स्टोर अच्छे से कर लेते हैं, उसकी डंडी वगैरह तोड़ लेते हैं तो सही रहता। तो मैं यही छोटे मोटे काम करने वाली हूँ, तो चलते हैं, क्या कर सकते हैं, बैठना तो आज के दिन में है ही नहीं। तो ये धनिया, ये पुदीना थोड़ा सा मैंने वॉश कर, मतलब ये पुदीना थोड़ा सा मैंने
तोड़ लिया है, ये भी पुदीना है और ये धनिया है, सबको रखना है। करते हैं इसको। तो यहाँ पर मैंने चावल है 2 kg, इसको मैंने भिगा के रख दिया है, वॉश करके रख दिया है। और यहाँ मैंने मैरिनेट वाला जो चिकन था वो मैं यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ। एक साइड पर मैंने यहाँ पर चावल के लिए पानी रख दिया है, ठीक है। इसमें भी मैंने बहुत सारे खड़े गर्म मसाले डाल दिए हैं, लाइक ज़ीरा, स्या ज़ीरा, जावित्री, काली मिर्च, इलायची, ये सब कुछ इसमें डाल दिया है। इस तरह से ड्राइंग रूम में सब अपना अपना चिल कर रहे हैं और मैं यहाँ किचन में बिचारी काम कर रही हूँ। कभी मुझे ना ऐसा लगता है मेरा 4 वाला गैस होता तो मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती, क्योंकि अभी एक तरफ पूरा ग्रेवी भी करनी है इसकी, तो एक तरफ ऑलरेडी यहाँ पर आप देख रहे हो कि राइस के लिए मैंने रख दिया है, यहाँ पर ये फ्राई हो रहा है, तो टाइम कम है, 5 बजने वाला है और अभी तक कुछ भी, मतलब ऐसा लग रहा है कुछ भी प्रिपरेशन ही नहीं है, ठीक है। और सब अपना आराम से काम कर रहे हैं, हस्बैंड को तो संडे को भी ऑफिस का काम रहता है, उनके पास तो एक भी दिन ऑफ नहीं रहता है बेचारे, वो उनके लिए तो संडे भी ऐसा होता है कि मतलब ऑफिस बहुत ज़्यादा उनका ऑफिस का काम रहता है, तो संडे को भी वो बिल्कुल भी फ्री नहीं होते हैं। फिर भी उन्होंने मॉर्निंग में सब कुछ मुझे ये ला कर दिया, तो इतना टाइम उन्होंने निकाल लिया हाल फिलहाल। तो यही सब मैं कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। आपसे बात कर रही हूँ तो एग्जॉस्ट फैन मैंने बंद कर दिया है, नहीं तो आपको इरिटेशन होती है एग्जॉस्ट की आवाज़ में। तो अभी मुझे कुछ इतना और रखा है, ये मुझे मैरिनेट किया हुआ चिकन, इसको फ्राई करना है और ये सारी चीज़ों को भी फ्राई करना है, थोड़ा सा कुछ ग्राइंड करना है। अभी मैंने ये पुदीने को चॉप कर लिया है, ये सारे गरम मसाले मैंने ग्रेवी के लिए निकाल के रखे हैं। तो इसमें है, मैं अभी बता देती हूँ, ग्रेवी में जो खड़े गरम मसाले जाएंगे वो ज़ीरा, स्या ज़ीरा, इलायची, दालचीनी और जावित्री, छबीला, काली मिर्च और ये बड़ी वाली इलायची। अभी जो कोल है वो भी निकाल के रखना है, क्योंकि उसकी अरोमा बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है, जो इस बिरयानी की जान होती है। ये तो सब है ही क्योंकि इतना सब कुछ डल रहा है वो तो ऑब्वियसली, लेकिन जो उसका मेन फ्लेवर टिक्के का तो आपको पता है कि कोल से ही आता है, जो कोयला होता है वो ही बहुत ही अच्छी अरोमा देता है, तो वो इसलिए। और इसको मैं अच्छे से जो फ्राई कर रही हूँ ना, तो बहुत अच्छे से डार्क इस तरह से करना है कि हल्की ब्लैक सी कोटिंग हो जाए इसमें। तो ये फ्राई पीसेस में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, ऑलमोस्ट 1 आवर जाने वाला है। पूरे ईयर में जो सबसे बेकार वाली सड़ी गर्मी होती है वो इन्हीं दिनों में होती है कुकिंग करने में रिलेटेड। आप देख सकते हो इतना मैं स्वेट कर रही हूँ, इतना ज़्यादा। और अभी मैंने शावर लिया था सारा काम करने से पहले मॉर्निंग में ही, अब मैं सारा काम करने का एक बार दोबारा शावर लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है आज। पानी हो गया था तो मैंने इसमें राइस डाल दिए हैं, और मैं पहले छोटे वाले में बना रही थी तो फिर इसमें नहीं आए 2 kg, फिर मैंने ये बड़ा वाला बनाया और इसमें फुल हो गए हैं। तो इसको मैं 90% कुक कर लूँगी, आप चाहें तो फुल कुक भी कर सकते हैं, बट मैं 90% कर लूँगी कुक। तो राइस मैंने निकाल लिए हैं इस तरह से, इतने सारे हो गए हैं। तो मैं यहाँ पर साइड में ये अनियन को फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि जब हम इसको स्टीम देंगे और बीच में लेयरिंग करेंगे तो इस तरह से आपको अनियन को रेडिश ब्राउन करना होता है। तो इतनी अनियन मैंने चॉप की थी तो वो मैंने यहाँ पर इस तरह से करी हूँ। देन यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी ग्रेवी हो रही है, ग्रेवी का मसाला बहुत ही डिलीशियस खुशबू आ रही है, और इसको बंद कर देते हैं पहले। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्रोसेस भी डन हो गई है, ये
ये देख सकते हो एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल इसमें खुशबू आने लगी। इसको बंद कर देते हैं। बहुत बहुत देर हो गई है ये सब करते करते, और आज तो डिनर में क्योंकि यही है खाने के लिए, तो डिनर हस्बैंड कार वॉश कर रहे हैं बाहर, संडे वाले दिन उन्हें कार वॉश करना बड़ा मज़ा आता है, और कार को वॉश कर रहे हैं बाहर हैं, और उनका यही काम हो रहा है, उनका बहुत फेवरेट काम है ये, तो वो ही कर रहे हैं वहाँ पर, कार वॉश कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर किचन में लगी हुई हूँ। अभी जस्ट फ्री होकर बैठे हैं, लैपटॉप को उन्होंने अपना चार्ज पे लगा दिया है, और अब वो थोड़ा सा फ्री हुए हैं जाकर, एंड जल्दी फ्री हो और जल्दी ये सब कुछ बन जाए, मैं शार लूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है आज, किचन में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो अभी मैंने इसमें टमाटर मिक्स कर दिए हैं, और थोड़ा सा मैं इसमें दही ऐड करूँगी। इसमें रखा हुआ है दही, ऐड करते हैं थोड़ा। तो आप देख सकते हो किचन पूरा क्लीन है, बॉक्सेस में डाल दिया है सब कुछ, और ये देख लो पहले, फिर बात कर लेते हैं। और बस ये जो कढ़ाई है ये वॉश नहीं हो रही है, ये सुबह वॉश होगी, क्योंकि बहुत ही बुरी तरीके से हालत है। सारे यूटेंसिल्स लगा दिए हैं कम से कम, तो चलिए तो पहले रूम में चलते हैं फिर बात करते हैं। तो कम से कम मैं आज दिन भर से 4 से 5 बार यूटेंसिल क्लीन कर चुकी हूँ, अब इतने से हैं, सारी चीज़ें अच्छे से अरेंज कर दी हैं, बस ग्रॉसरी रह गई है थोड़ी सी जो मंगाई थी, और जो जो जिस जिस को भेजनी थी सारी चली गई है, और जो मैंने 2 kg चिकन की बनाई थी बिरयानी, जो मैंने 2 kg चिकन की बिरयानी बनाई थी वो सारी, जो भी इनको अपने फ्रेंड्स लोगों को देनी थी वो दे दी है, तो सारी चली गई है। थोड़ी सी मैंने अभी डिनर के लिए रोक लिया, थोड़ी सी हो सकता है कल तक बच जाए, तो देखते हैं बस, तो ज़्यादा नहीं, क्योंकि बिरयानी मुझे ज़्यादा यू नो रख के खाना अच्छा नहीं लगता है, जो फ्रेश होती है बस मैं वो ही खाती हूँ। और हालत चेक करें आप ज़रा, फुल स्वेटिंग। बस अब मैं जा रही हूँ शार लेने के लिए, शार ले लिया, टाइम हो गया है, थोड़ा सा मैं लेट भी ली हूँ, उसके बाद मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, और नहाने के बाद भी मतलब ऐसा लग रहा है कि कितना ज़्यादा मैं थकान हो रही है मुझे। और बस एक लास्ट काम और रह गया है किचन में, क्योंकि मुझे बनाना है अभी रायता, क्योंकि मेरे हस्बैंड रायते के बिना बिरयानी नहीं खाते, उन्हें रायता चाहिए ही चाहिए, तो फिर बनाना है मुझे अभी रायता, तो थोड़ा सा वो तो जल्दी बन जाएगा। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा मैंने आराम कर लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, तो बिल्कुल सुकून से बिल्कुल किसी से बात नहीं करके तो मैं आराम कर रही थी, और बस हस्बैंड आते ही हैं, और टाइम अभी 9 बजने वाला है, और हम लोग डिनर करेंगे साथ में। मैंने उनसे बोला कोल्ड ड्रिंक भी लेते हुए आना, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है बिरयानी के साथ कोल्ड ड्रिंक, और चलिए तो किचन में चलते हैं और रायता बना लेते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर रायता नहीं, कुछ चटनी बना रही हूँ जो फ्राई के साथ बनाती हूँ, तो ये अच्छी लगती है ये चटनी भी डालकर खाने में, थोड़ी सी आलू भुजिया। ज़्यादा काम रहते हैं कि क्या बताएं, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है, इन्हें संडे वाले दिन भी
अब जाके ये दिन भर से लगे थे काम करने में, अब फ्री हुए हैं, अब जाके हम लोग 10 बज रहे हैं, 10 बजे डिनर कर रहे हैं और हम लोग, तो चलिए हम लोग अपना यमी सा डिनर एंजॉय कर लेते हैं। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको? आई होप यू आपको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ आपसे अच्छे से ब्लॉग के साथ, जल्द अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा।